अध्यक्ष बन गया। लंबी गाथा नहीं सुनाऊंगा, समय कम है। इमरजेंसी में सूर्यकांत केलकर जी के कारण जेल चला गया। अब वो अंडरग्राउंड आंदोलन चला रहे थे और मैं भी उत्साही तो थी। मैं जो साइकिल स्टैंड पर्चे होते थे उनको बांटने का हम काम करते थे, आपातकाल के खिलाफ पर्चे निकलते थे और जो काम बताया जाता था वो करते थे। लेकिन 11वीं में पढ़ता था और परीक्षा देनी थी मुझे। एक दिन सूर्यकांत केलकर जी पकड़ लिए गए, उनकी डायरी की छानबीन हुई। छानबीन में हमारा नाम भी डायरी के किसी पन्ने पे अंकित मिल गया। रात को 11 बजे मैं पढ़ रहा था, तब मैं परिषद कार्यालय में नहीं था, किराए के कमरे में पढ़ता था। दरवाजा खटखटाया, खोला तो एक सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हेड कांस्टेबल और 4-5 कांस्टेबल। तेरे नाम शिवराज सिंह चौहान है? मैंने कहा हां, नाम तो मेरे है। बोले तू चलाएगा इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन? मैं माजरा समझ गया, गड़बड़ है। पेपर में 2 दिन से 11वीं 9 अप्रैल की बात, 11 अप्रैल से परीक्षा थी। मैंने कहा एक बार कोशिश करके देखते हैं कि बच जाए और पेपर दे रहे। कहने की मैंने कब आंदोलन चलाया, दुबला पतला अभी कैसा हूं उससे ज्यादा। तो एक ने कहा कि अरे ये आंदोलन चलाएगा, मुट्ठी भर को हटे नहीं उसको। तो एक कांस्टेबल बड़ा खाद था, बोले क्या देख तलाशी तो नहीं लेते। अब तलाशी भी तो सारा मटेरियल निकल गया। अब पुलिस वाले जैसे सभ्य गालियां देते, वो देते देते मेरे 4 थपाड़े तो गाल पे मारे। और फिर कहा चल, अब हम पकड़ के धर लिए गए हबीबगंज थाना भोपाल। जिनने देखा वो जानते, वहां ले जाएगा, बता पर्चे कहां से मिलते थे। एक नाथूराम सोनी जी फट्टे की होटल थी, ऊंची कचौड़ी समोसा आलू गोंडा बनाते थे, वो पर्चा देते थे। मन में आया कि अगर बता दिया तो ये गरीब मर जाएगा, तो तय किया यार अब जो कुछ हो जाए, बताना नहीं। जैसी पिटाई बिटाई हुई, ये कोहनियों में और पैरों के जो घुटने रहते हैं उनमें वो लक्ष्य मारे हैं पुलिस ने, कि अभी भी जब बादल कड़कते हैं तो ऐसे दुखते हैं। बता बोले, लेकिन हमने भी जिद ठान ली कि अब नहीं बताना चाहे, कुछ हो जाए।